अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ मैंने बनाया था चिकन रोस्ट और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो यहाँ पर बहुत ही यमी किस्म का चिकन रोस्ट बना था। इसके लिए जिन इन्ग्रीडियंट्स की हमें ज़रूरत है तो वो मैं आपको चल कर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें चाहिए हैं लंबी वाली रेड कलर की मिर्चें, ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती हैं। ये आपको चाहिए यहाँ पर धनिया जो है वो साबित, और ज़ीरा और लाल मिर्च चाहिए। और इन सब चीज़ों को मैं एक मिक्सर के अंदर जो है वो अच्छी तरह से पीस लूँगी। और यहाँ पर हमें कोई आप कोई बड़ी सा कोई ले लें, डब्बा ले लें, या कोई परात ले लें, या इस तरह की कोई बड़ी सी प्लेट ले लें जिसके अंदर हम जो है चिकन हमने मैरिनेट करनी है। तो उसके अंदर मैंने जो पीसा था मसाला वो डाल दिया, नमक डाल दिया, इसी तरह मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी, थोड़ा सा यहाँ मैंने विनीगर लिया है, सिरका एक चम्मच से दो चम्मच भी ले सकते हैं आप। विनीगर आप तभी इस्तेमाल करें जब अगर आपने चिकन जो है वो मैरिनेट करके नहीं रखनी, बल्कि आपने उसी वक्त उसको रोस्ट करना है, तो फिर आप विनीगर जो है वो इस्तेमाल करें। वरना अगर आपने इसको ओवरनाइट रखना है तो फिर विनीगर ना इस्तेमाल करें। इसके साथ मैंने यहाँ पर लेमन जूस जो है उसका इस्तेमाल किया था। और बस इसके अंदर डालना है मैंने ऑयल, और यहाँ मिर्चें गई इसके अंदर, रेड चिली पाउडर गया था, और साथ ही ये है कश्मीरी चिली पाउडर, ये मैंने इसमें शामिल किया। ये थोड़ा कलर्ड भी होता है, इसका ज़रा डार्क कलर होता है और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ डाल दिया ऑयल मैंने, और ऑयल डालने के बाद मैंने करना है इसको मिक्स। और मिक्स करके मैंने चिकन जो है उसको काट कर, और उसको मैंने धो कर रखा हुआ था, और उसके अंदर मैंने कट्स भी लगाए हुए थे। आप कट्स लगाना चाहते हैं तो लगाएं, अगर नहीं तो ऐसे भी आप मैरिनेट कर सकते हैं। और बस मैंने चिकन को इसके अंदर डाल देना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अच्छी बात तो ये है कि अगर आप 2-3 घंटे के लिए इसको रख दें और फ्रिज के अंदर रख दें या बाहर रहने दें, अगर गर्मी है तो फिर फ्रिज के अंदर रखें, और इसको जो है 2-3 घंटे के बाद हम इसको बेक करेंगे अवन में। ओवन की प्लेट में मैंने फोलिया लगा लिया था, फॉयल लगा ली थी, और यहाँ मैंने बेकिंग पेपर जो है उसका इस्तेमाल किया ताकि जो चिकन है वो टूटे नहीं और सही जो है वो बनकर तैयार हो। तो 180 डिग्री पर आपने पहले से ही जो ओवन है उसको गर्म कर लेना है, और 180 डिग्री पर हम इसको मैक्सिमम एक घंटा जो है वो पकाएंगे। अगर ओवन आपके पास नहीं है तो आप इसी तरीके को ऐसे आप इसी तरह से किसी भी नॉन स्टिक देचके के अंदर जो है इसको ढक्कन लगाकर, और फिर आप इसको जो है फ्राई सा कर लें और बेक सा कर लें, जैसे आपको पता है कि जैसे हमारी स्टीम चिकन होती है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ओवन के अंदर ज़रा ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर ये चिकन हो जाएगी हमारी तैयार। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, खुदा हाफिज़।